हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईटी जैम 2023 की भैया काउंसलिंग चालू हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देंगे ना जिससे आपका करियर बहुत ही अच्छा बनेगा। क्योंकि और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये गलतियाँ ज़्यादातर काउंसलिंग के टाइम करते हैं, जिससे उनको अभी नहीं बाद में और आईआईटी के अंदर बहुत सारी तकलीफें झेलने को मिलती हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद आईआईटी से पास आउट हूँ। मैंने ये गलतियाँ बहुत लोगों को करते हुए देखा है और उनके करियर में क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी इस गलती की वजह से होता है और आईआईटी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें उनको झेलने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है भाई। देखिए यार, पहले तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारे चैनल पर भारत की लगभग सभी आईआईटी के स्टूडेंट भैया अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लोग वहाँ पे आईआईटीज के स्टूडेंट जो वहाँ जॉब करते हैं, उन लोगों ने सभी ने इंटरव्यू दिया है कि हम कैसे उस जॉब को पाएँ, ठीक है, और आईआईटी करने के बाद हम अब्रॉड कैसे जाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में हम कैसे पाएं, वो सारी जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और इस तरीके की जानकारी लगातार भाई हम देते रहते हैं। तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे ना, और आप कमेंट करो यार, बस कमेंट करो, हम लोग वो वीडियो लाएंगे। आप जिस आईआईटी की बोलोगे उस आईआईटी के स्टूडेंट को हम लाएंगे, आपको उनका इंटरव्यू हम लोग लेंगे, अपने चैनल पर दिखाएंगे। आप बस कमेंट करो, आपकी सारी चीज़ें होंगी पूरी। अगर कॉम्पिटिशन वेल पर आप कमेंट कर रहे हो तो आपकी सारी चीज़ें, सारी कन्फ्यूज़न दूर होंगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें भारत की लगभग सभी आईआईटी के स्टूडेंट हैं, अब्रॉड के स्टूडेंट हो, आपको कोई भी तकलीफ हो आप उस पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और फिर भी आप हमारे चैनल के कमेंट पर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी यार सब्सक्राइब करवाने की, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना कंटेंट बनाते हैं, इतने लोगों को लाते हैं। मैं आपको बता दूं, लोगों को लाने में हम लोग महीना महीना भर लगे रहते हैं कॉन्टैक्ट में, तब वो लोग इंटरव्यू देते हैं और बहुत ही हम लोग मेहनत करते हैं। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं भाई कि काउंसलिंग के टाइम पे क्या बात को याद। हालांकि मैं थोड़ी बाद में वीडियो बना रहा हूँ, पहले बना देनी चाहिए थी, बट हमारे चैनल पे कमेंट है इस वजह से मैं बना रहा हूँ। तो काउंसलिंग के टाइम एक बात आप जरूर याद रखना, आपका एक ऑप्शन आएगा आईआईटी का प्रेफरेंस देने का कि आपको कौन सी आईआईटी पहले चाहिए। जितनी भी आईआईटीज होंगी वो नंबर वाइज आपको प्रेफरेंस देनी होगी कि फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सी चाहिए, सेकंड नंबर पे आपको कौन सी चाहिए। मैं वो भी बता रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैं एग्जांपल के रूप में बता दूं कैसे वर्क होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा प्रेफरेंस चूज कैसे करी जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने पहले आईआईटी कानपुर चूज करी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने मान लिया आईआईटी, आपने कोई भी आईआईटी मैं ले लेता हूँ, आईआईटी दिल्ली करी। तीसरे पे आपने आईआईटी बॉम्बे करी, ठीक है। तो भैया सबसे पहले जो रैंक आपकी होगी, अगर उस रैंक में आईआईटी कानपुर आ रही होगी तो सबसे पहले आपको आईआईटी कानपुर दी जाएगी, नहीं आ रही होगी तो फिर आईआईटी दिल्ली पे वो मूव करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो फिर ऐसे नीचे आएंगे, आपकी रैंक के हिसाब से जो आईआईटी आपको पहले मिलने वाली होगी वो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस काम करती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपकी रैंक, जैसे कि मान लीजिए ऑल इंडिया रैंक 23 है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 23, और इसकी क्लोजिंग जो आईआईटी कानपुर की क्लोजिंग है वो भैया 24 हुई है फर्स्ट राउंड में, तो आपको आईआईटी कानपुर दे दी जाएगी। अब मान लीजिए आईआईटी कानपुर की क्लोजिंग 20 पे ही हो गई तो आपको आईआईटी कानपुर नहीं दी जाएगी, पर अगर आईआईटी दिल्ली की क्लोजिंग मान लीजिए 25 पे हुई है, ठीक है, फर्स्ट राउंड पे, तो आपको आईआईटी दिल्ली दी जाएगी। इसी तरीके से प्रेफरेंस आपका वर्क करता है। तो जो आईआईटी आपको पहले चाहिए तो उसका प्रेफरेंस पहले, उसके बाद जो आपको चाहिए वो वाली दूसरे नंबर पे, ऐसे ही आप अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। ये तो मैंने आपको बताया प्रेफरेंस वर्क कैसे करता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी अपने मन से मत भर दीजिएगा, ठीक है, नहीं नुकसान में आप आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे किया था, फिर वो भुगते भी थे बाद में, जॉब लगने में प्रॉब्लम आई, किस तरीके की उनको प्रॉब्लम आई। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में लिखो यार, हम बनाएंगे उसकी भी वीडियो। तो अब बात आती है प्रेफरेंस कैसे देना है। तो भैया देखिए, आपको जो जॉब करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस आईआईटी में वो कोर्स है कि नहीं है ये जानना बहुत जरूरी। ऐसा नहीं है कि हर आईआईटी का करिकुलम सेम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप सबसे पहले, तो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप हर आईआईटी के ऑफिशियली होम पेज पर चले जाइए,
वहाँ आपको कैरिकुलम मिलेगा उनका, ठीक है, कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कैरिकुलम क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर का कैरिकुलम क्या होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। अगर वो भी आप चाहते हो तो भैया हम उसकी भी वीडियो बना देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, आप लिखिए, आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। आप पहले उन सारे उनका कैरिकुलम चेक कर लीजिएगा। दो चीज़ होते हैं, एक कंपलसरी कोर्स होता है, दूसरा इलेक्टिव, मतलब आप इलेक्टिव भी ले सकते हैं, कुछ इलेक्टिव मतलब लेने पड़ते हैं, पर आप एक्स्ट्रा इलेक्टिव भी वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्टिव आपके करियर में कैसा फायदा करेंगे, तो हर आईटीज में होता है, ठीक है, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके करियर के हिसाब से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट को जिस आईटी में हो वो, तो उसको हिसाब से आप अपना प्रेफरेंस दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको आगे रिसर्च वर्क भी करना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तो जो आपका इंटरेस्ट हो भाई वो करो, और जिसकी जॉब आपको चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि आपने प्योर पढ़ ली तो आप अप्लाइड वाली जॉब में फिर आपको दिक्कत होने लगती। जो इंटरव्यू रिव्यूअर होता है ना, वो भी क्वेश्चन करता है कि आपको अप्लाइड की जॉब थी, बिजनेस में जाना था, तो आपने प्योर क्यों ले ली, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना करिकुलम, अपना सिलेबस जरूर चेक करें, फिर आप अपनी आईआईटी को चूज़ करें। तो ये प्रेफरेंस भैया बहुत ज़रूरी होती है, ये इस वीडियो में मुझे आपको जानकारी देनी थी। अगर फिर भी आपको लगता हो कोई कन्फ्यूज़न हो, तो भैया हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको दूर करेंगे, नहीं तो हम किसी जो बड़ी बड़ी आईआईटीज के स्टूडेंट हैं उनका भी इंटरव्यू ले लेंगे। आप बस बोलो चाहिए क्या, हमारा कॉम्पिटिशन वेल वो आपको देगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। सो प्लीज हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।